प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं की कोविड-19 के दौरान फिजूल की बयानबाजी पर कड़ी निंदा जाहिर की है। विनोद ठाकुर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें सलाह दी है कि वे फिजूल की बयानबाजी ना करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता इस तरह के बेतुके बयानों से बाज आएं और कोरोना योद्धाओं का सम्मान करें। विनोद ठाकुर ने कांग्रेस को सलाह दी है कि कोरोना वायरस के योद्धाओं का हौसला बढ़ाने की बजाय उनका मनोबल गिराने का काम ना करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से नशे के व्यापार को रोकने के लिए सरकार ने कारगर कदम किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार में नशे का कारोबार किस सरकार में बड़ा है ये सारा प्रदेश जानता है। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने यह बयान दिया कि पुलिस प्रशासन के लोग नशे के सौदागरों को संरक्षण दे रहे हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और उनको भी हम ये कहना चाहते हैं कि उनके इस प्रकार के बयान कोरोना वॉरियर्स के साथ उनके मनोबल को गिराने का काम कर रहे हैं। न्याय संगत तो ये रहता कि वो हमारी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरह कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाते, उनका सम्मान करते, परंतु इस प्रकार के बयानों से पुलिस प्रशासन, अन्य जो लोग कोरोना वायरस के साथ जूझ रहे हैं, हम सबको उसको बचाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं, उनका मनोबल गिरेगा। मैं उनसे फिर आग्रह करूंगा कांग्रेस के लोगों से कि वो इस प्रकार के बयानों से बाज आए और प्रदेश हित में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करें।